प्रदेश के जाने माने इतिहासकार के एम पड़िक्कर का पूरा नाम कावलाम माधव पड़िक्कर था और आमतौर पर इन्हें सरदार के एम पड़िक्कर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 3 जून सन 1895 को हुआ था। एक पत्रकार, एक राजनयिक, एक प्रशासक और एक इतिहासकार के रूप में इन्हें आज हम सब याद करते हैं। वे चीन में भारत के राजनयिक के तौर पर भी कुछ वर्षों तक कार्य किए थे, लेकिन विशेष तौर पर इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनका जो योगदान था उनके प्रमुख लेखन पे जब हम बात करते हैं तो उनकी एक प्रमुख रचना जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी, श्रीहर्ष ऑफ कन्नौज, इस पर उन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा था और हर्षवर्धन को एक बड़े शासक के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया था। भारतीय इतिहास में यह कहा भी जाता है कि केंद्रीयकृत भारत में अंतिम महत्वपूर्ण शासक या राजा हर्षवर्धन हुआ था। इसके अतिरिक्त द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ किंगशिप इन इंडिया 1938 में प्रकाशित हुई, यह एक तरह से भाषणों की श्रृंखला थी जो उन्होंने बड़ौदा राज्य के आमंत्रण पर दिए थे। यह भाषण यूरोपीय विद्वानों की इस गलत धारणाओं को निरंग करने के लिए विशेष तौर पर उनके द्वारा दी गई थी। 1929 में मालाबार एंड द पुर्तगीज, इसके अलावा मालाबार एंड द डच 1931 में उन्होंने इस पर कार्य किया और ये दोनों एक दूसरे के पूरक कार्य थे, एक पुर्तगीज को लेकर दूसरा डच को लेकर। और इन अध्ययनों के द्वारा भारत के पश्चिमी तट, विशेष तौर पे जो मालाबार तट है, केरल के तटीय क्षेत्र, वहां पर 16वीं और से लेकर 18वीं सदी तक के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी सरदार के एम पड़िक्कर एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास का अध्ययन भौगोलिक और भूगोल आधारित राजनीतिक दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया। इनकी एक अन्य पुस्तक इंडिया एंड द इंडियन ओशन 1945 में प्रकाशित हुई और भारत ने स्वतंत्रता, इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि भारत ने स्वतंत्रता कभी नहीं खोई जब तक कि 16वीं सदी के प्रथम दशक में उन्होंने समुद्र पर अपना नियंत्रण खो दिया। इन्होंने हिंद महासागर के इफेक्ट को विशेष तौर पर बताने का कोशिश किया और समुद्री नियंत्रण का क्या महत्व होता है इसको भी उन्होंने रेखांकित किया। द जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री 1955 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के प्रीफेस में सरदार के एम पड़िक्कर लिखते हैं कि भूगोल किसी भी देश के इतिहास की नींव होती है और हम सब जानते हैं कि इतिहास और भूगोल के घनिष्ठ संबंध हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने यह कहा था कि भूगोल किसी भी देश के इतिहास की नींव होती है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसमें एक तरफ जहां हिमालय है वहीं दूसरी तरफ समुद्र का भारतीय जीवन और उसके दृष्टिकोण पर विशेष महत्व है, इस तरह का अध्ययन उन्होंने किया। 1947 में सरदार के एम पड़िक्कर ने ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी जिसके इतनी अधिक लोकप्रियता रही कि आरंभिक 7 वर्षों में इसके 9 एडिशन प्रकाशित हुए और भारत के इतिहास के विगत 5000 वर्षों की विरासत को इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से समेटने का प्रयास किया और अब तक भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो गलत धारणाएं थी उनको हटाने की कोशिश भी सरदार के एम पड़िक्कर के द्वारा की गई। इन्होंने एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस 1953 में लिखी और कहा जाता है कि यूरोप में
पोप के रोग के बाद, यानी पोप के ऑब्जेक्शन के बाद भी यह पुस्तक यूरोपियन लैंग्वेज में कई भाषाओं में अनुदित हुई और इस पुस्तक के माध्यम से सरदार के.एम. पड़िक्कर भारत की परिसीमा को पार करके विश्व स्तरीय इतिहासकार की श्रेणी में पहुंच गए। इन्होंने एशिया के देशों के साथ यूरोप के संबंधों का एक समीक्षात्मक सर्वेक्षण किया और यह बताया कि यूरोपियंस को समुद्र पर अधिकार के कारण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एशिया में प्राप्त हुई थी और एक शांत क्रांति इसके माध्यम से आई थी। सरदार के.एम. पड़िक्कर ने एशिया के पश्चिम से संबंधों के कारण जो उत्तेजना पैदा हुई थी उसको भी हाईलाइट करने का कार्य किया और यह बताया कि एशिया के लोग जिस लंबी नींद में सोए थे इसके कारण यानी रेनेसा के कारण ये लोग जाग उठे और इन्होंने फिर यूरोपियन शक्ति या सत्ता के विरुद्ध आंदोलन या संघर्ष की प्रेरणा उनको प्राप्त हुई। इस तरह हमने देखा कि सरदार के.एम. पड़िक्कर ने अपने इतिहास लेखन के माध्यम से भारत में जो ब्रिटिश इतिहास लेखन की परंपरा थी उसको तोड़ा और अपने एक अलग नजरिए से उन्होंने भारतीय इतिहास के विभिन्न चरणों पर लेखन का कार्य किया। उनके इस कार्य का लाभ आज अनेक लेखक लेते हैं और निश्चय ही सरदार के.एम. पड़िक्कर के लेखन से वे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। थैंक यू।